हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं जो कविता आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है भोर और बरखा। ये चैप्टर नंबर 16 है और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि एक महिला मक्खन बना रही है ना, और यहाँ पर छोटी सी एक इमेज रखी हुई है भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण की एक इमेज है, मोर पंख लगे हैं, बांसुरी भी है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ जो नीचे लाइंस लिखी हैं, जागो बंसी वारे ललना, तो इन सबको देख करके आपको कुछ ख्याल आ रहा है क्या? आप कुछ समझ पा रहे हैं कि ये कविता किसके बारे में है? तो एक्चुअली में ये कविता जो है ये भगवान कृष्ण के बाल रूप के बारे में है, कान्हा के बारे में है। जब वो गोकुल में रहा करते थे, शरारतें किया करते थे, माखन खाया करते थे, गैया चराया करते थे और गोपियों को तंग किया करते थे उनके मटके वगैरह फोड़ फोड़ करके, है ना। और एक्चुअली में ये जो कविता है ये मीराबाई का लिखा हुआ है। मीराबाई के बारे में आप जानते होंगे कि मीराबाई भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त रही हैं और उन्होंने उनके लिए बहुत सारे भजन लिखे हैं। तो उसमें से ही एक बड़ी अच्छी सी कविता है, ये बहुत प्यारा सा भजन है और इसका शीर्षक है भोर और बरखा। तो ठीक है, इतनी भूमिका, इतना फाउंडेशन तो आप समझ ही गए इस कविता के बारे में कि ये कविता किसके बारे में है। तो ये भगवान कृष्ण के बाल रूप के बारे में है, कान्हा के बारे में है, और ये कविता लिखी हुई है मीराबाई के द्वारा। तो अब हम लोग ये पहले कविता पढ़ते हैं एक बार। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठार है द्वारे, ग्वाल वाल सब करत कुलाहल, जय जय शबद उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, स्मरण आया को तारे। और भी आगे की लाइंस है तो एक बार मैं ये पूरी कविता आपको सुना ही देता हूँ। बरसे बदरिया सावन की, ये कविता जो है बरखा के बारे में। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरे मनवा, भनक सुनी हरियावन की, उमर घुमर चहुदिस से आया, दामिन दम के झड़ लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों ने अभी अभी आपको कविताओं के दो छोटे छोटे हिस्से मैंने अभी आपको पढ़ करके सुनाया है। पहला हिस्सा है भोर के बारे में, सुबह के बारे में कि गोकुल की सुबह कैसी होती है, जहाँ पर भगवान कृष्ण का बचपन गुजरा है वहाँ की सुबह कैसी होती है। और दूसरी कविता जो है वो बरखा के बारे में है, बारिश के बारे में है, वर्षा ऋतु के बारे में है कि गोकुल में जो वर्षा होती है, बारिश का मौसम होता है तो क्या होता है, और मीराबाई के मन में कौन कौन से भाव उमड़ते हैं, है ना। तो अब हम लोग फिर से एक बार यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, है ना, इसकी व्याख्या करते हैं कि आखिर इस कविता में मीराबाई जी ने क्या लिखा है। तो जागो बंसी वारे ललना, बंसी वारे का मतलब है कि वो जो बांसुरी बजाता है, और ललना, ललना शब्द का भी प्राय है। ललना आम तौर पर छोटे बच्चों को कहा जाता है, लल्ला ललना इस तरह की चीज़ें। तो मीराबाई जी कृष्ण के बाल रूप को कहती हैं ऐसे जैसे कि वो जगा रही हों या वो अपनी आँखों से देख पा रही हैं कि कैसे कृष्ण की मैया यशोदा उन्हें जगा रही हैं। तो कहती हैं कि जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। ये कविता ब्रजभाषा में है तो इसीलिए जो लोग खड़ी हिंदी का प्रयोग करते हैं, खड़ी हिंदी को जानते हैं, व्यावहारिक हिंदी को जानते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए, लेकिन मैं हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको।
तो जागो बंसी वाले लल्ला, जागो मोरे प्यारे, कि मेरे बंसी बजाने वाले बच्चे और मेरे प्यारे बच्चे जाग जाओ। रजनी बीती, रजनी, रजनी का मतलब क्या है? रजनी का मतलब है रात। मैं यहाँ पर ना एक एक करके आपको शब्द यहाँ लिख भी देता हूँ कि आप आसानी से समझ पाओगे कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं और ब्रजभाषा में ये जो शब्द हैं इसका मतलब हिंदी में क्या है। तो लल्ला मतलब हो गया बच्चा, ओके, छोटे से बच्चे को लल्ला कहते हैं, ओके। दूसरा शब्द है रजनी, रजनी, रजनी का मतलब होता है रात। तो मीराबाई क्या कहती हैं कि रजनी बीती, रात बीत गई है ना, रात बीत गई है। और वो क्या कहती हैं? और वो कहती हैं कि भोर भयो, भोर का मतलब क्या है? मॉर्निंग, भोर का मतलब है सुबह, भोर। आप चाहो तो अपना हिंदी की नोटबुक में ये सारे शब्द नोट भी कर सकते हो। तो वो कहती हैं मीरा जी कि रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवाड़े। किवाड़े का मतलब होता है दरवाजा, डोर, है ना। तो कहती हैं कि भाई रात बीत गई, सुबह हो गई है और सब लोगों के घर के दरवाजे खुल गए हैं। तो अक्सर ऐसा ही होता है ना, रात में जब लोग सोते हैं तो अपने घर की किवाड़ दरवाजों को बंद कर लेते हैं। तो जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत, गोपी दही मथत, सुनियत हैं कंगना के झनकारे। कंगना, तो जब गोपियां दही मथती हैं अपनी मथनी में, जैसे ऊपर में जो ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है ना, इसे इसे ही बोलते हैं, यही है मथनी, इसी को बोलते हैं। तो वही कह रही हैं मीराबाई जी कि गोपी दही मथित, सुनियत हैं कंगना के झनकारे। तो अगर गोपियां इस तरीके से दही मथनी को चलाएंगी तो आप देख सकते हो ना कि यहाँ पर ये जो है ना, ये इनके हाथ में कंगना है, चूड़ियां हैं, बाले हैं, तो इसके झन झन बजने की आवाज़ तो आएगी ही। वही बात, वही चीज़ कह रही हैं मीराबाई कि गोपी दही मथत, सुनियत हैं कंगना के झनकारे। मतलब भोर हो गई, लोगों के दरवाजे खुल गए, अब गोपियों ने दही मथने का काम शुरू कर दिया है क्योंकि उनके कंगना के झनकने की आवाज़ आ रही है। आगे वो कहती हैं कि उठो लाल जी भोर भयो है, सुड़नर ठाढ़े द्वारे। उठो लाल जी, अब ये जो लाल जी शब्द है ये फिर से उन्होंने कृष्ण के लिए ही इस्तेमाल किया है, लाल जी, है ना। तो लाल, लल्ला का ही है ये शब्द, लाल जी। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाढ़े द्वारे। द्वारे का मतलब फिर से मैं बताऊंगा कि द्वारे, द्वारे का मतलब होता है दरवाजा, दरवाजे पर खड़ा होना। और सुरनर ठाढ़े द्वारे, तो सुर कौन है? सुर का मतलब होता है देवता। सुर कहते हैं देवता को, और आप लोग इसका अपोजिट मीनिंग वर्ड असुर भी जानते ही होंगे। असुर, असुर का मतलब होता है दैत्य या दानव। तो भगवान कृष्ण है ना, ये जब जागने वाले हैं तो इनके दर्शन के लिए देवता भी और मनुष्य भी तरह तरह के रूप में दरवाजे पर खड़े हैं, ऐसा बता रही हैं मीराबाई जी। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शबद उचारे। ग्वाल बाल, ग्वाल बाल का मतलब है कि ग्वालों के बच्चे, यादवों के बच्चे, जिनका मुख्य काम यही है गाय और भैंस चराना, दूध दूहना। तो उनके जो बाकी सारे बच्चे हैं वो कुलाहल कर रहे हैं। कुलाहल का मतलब है शोर मचा रहे हैं। जाग गए हैं तो थोड़ा सा इधर उधर वो चल फिर रहे हैं, खोज रहे हैं, अपना अपनी अपनी एक्टिविटी में मस्त हैं। तो वही बता रही हैं मीराबाई जी कि ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शबद उचारे। और वो सब के सब
जय जय कर रहे हैं। शबद का मतलब शब्द है और उचारे उचारे का मतलब है उच्चारण करना, बोलना। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। माखन और रोटी, तो जिस समय की बात हो रही है उस समय में छोटे छोटे बच्चे तो बस, और कृष्ण की टोली के जो ग्वाल बाल हैं वो बस यही खाया करते थे क्या, रोटी और मक्खन। तो वही बता रही हैं कि ग्वाल बाल के जो बच्चे हैं उन्होंने अपने हाथ में माखन और रोटी लिया हुआ है और वो खा रहे हैं। गौवन के रखवारे, गौवन के रखवाले, तो रखवाले सब तो आप समझ ही रहे हो, रखवाली करना। और गौवन, गौवन का मतलब है गाय, ठीक है ना, गौवन का मतलब है गाय, ये चीज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर स्मरण, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे, शरण। तो आखिर में फिर से मीरा जी अपने प्रभु कृष्ण के बारे में, गिरधर के बारे में कह रही हैं। गिरधर जो है नाम है, गिरधर, गिरधर नाम कृष्ण का इसलिए पड़ा कि उन्होंने एक बार अपने गोकुल धाम की रक्षा के लिए, बारिश से बचाने के लिए अपने एक उंगली पर उन्होंने एक पूरे पूरे पर्वत को उठा लिया था, तो इसलिए नाम है गिरधर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। तो वो कहती हैं मीरा जी कि प्रभु जो भी आपके शरण आता है, जो भी आपके शरण आता है वो तारण हो जाता है उसका, वो तर जाता है, मतलब उसका जीवन सफल हो जाता है। तो इस आखिरी लाइन के जरिए मीरा जी ने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को जाहिर किया है और फिर से कहा है कि मैं तो आपके शरण में आ गई हूँ, तो आप ही मेरा तारण करें, आप ही मेरे जीवन को सफल बनाएं। तो बच्चों मैंने अभी कविता का पहला हिस्सा आपको डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है, और ये पहला हिस्सा है भोर के बारे में कि कृष्ण गोकुल धाम में जब बचपन में रह रहे होते हैं तो वहाँ की सुबह कैसी होती है ना। तो आपने देखा होगा कि इसमें जो काफ़ी सारे शब्द हैं, कुछ बच्चों को वो सारे शब्द समझने में दिक्कत हो रही होगी। मैंने ऑब्जर्व किया है कि CBSE बोर्ड में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं खास तौर पर, उनकी हिंदी थोड़ी सी वीक होती है। मैं उनसे ये कहूँगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो इंग्लिश तो उनकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए, साथ में हिंदी भी इतनी स्ट्रांग तो ज़रूरी ही होनी चाहिए कि वो लिटरेचर का आनंद उठा सकें, अखबारों में क्या है समझ सकें, टेलीविज़न में क्या कहा जा रहा है, घर बार में लोग क्या बोल चाल करते हैं वो अच्छे से समझ पाएँ। और इसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंटरेस्ट बनाए रखना है हिंदी के साथ में भी। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर आपका एक भाषा के साथ में, इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी पर भी उतना ही बराबर का अधिकार हो। अब हम लोग कविता का दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं जिसका टाइटल है बरखा। बरखा मीन्स बारिश। तो क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है बरसे बदरिया सावन की। तो ये भी मीरा भाई की रचना है, मीरा भाई की ही रचना है और इसका उन्होंने नाम दिया है बरखा। बरखा मतलब बारिश। हो सकता है आप सब बच्चों में से किसी एक बच्ची का नाम बरखा भी हो। तो मीरा भाई जी कहती हैं कि बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। सावन हिंदी का एक महीना है ना, और श्रावण भी लिखा रहता है इसको कभी कभी कहीं पर, ठीक है, ऐसे भी ये लिखा रहता है। आप श्रावण मास की बात अगर करें तो सावन का मतलब ऐसे है कि हिंदी कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में, पंचांग में जो विक्रम संवत शक संवत की बात होती है उसमें बारिश के मौसम के लिए जो महीने तय किए गए हैं, लिखे हुए हैं, वो है सावन भादो। और आमतौर पर ये जो महीना होता है ये जुलाई और अगस्त का महीना होता है। बदरिया, बदरिया शब्द का मतलब है बादल, ठीक है, बदरी बादल। वैसे जब बादल हम लोग लिखते हैं तो ये पुल्लिंग स्वरूप है
और लेकिन जब भदरिया की बात हो गई तो ये स्त्रीलिंग स्वरूप है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। तो कवित्री मीराबाई जी कहती हैं कि सावन का मौसम कितना मन भावन होता है, मन को सुंदर लगने वाला होता है, भावन सुंदर लगने वाला, मन को सुकून पहुंचाने वाला, मन को सुकून पहुंचाने वाला इसलिए है क्योंकि लोग मई जून की गर्मी से, अप्रैल मई जून की गर्मी से बहुत ही परेशान हो रहे होते हैं और उसी समय में ये बारिश का मौसम आता है सावन के मौसम से। आमतौर पर अपने देश में मानसून का आगमन केरल में कहते हैं ना कि 8-10 जून के लगभग हो जाता है और उत्तरी भारत आते आते इसे 15 से 20 जून का समय लगता है और जुलाई महीने से आपका सावन का मौसम है। अगर हम लोग हिंदू कैलेंडर में देखेंगे तो सावन का महीना हो सकता है कभी कभी 15-20 जून के बाद से भी शुरू हो जाता होगा। आगे की पंक्तियां देखते हैं कि सावन में उमग्यो मेरे मनवा। उमग्यो, उमग्यो शब्द जो आया है ये उमंग से आया है, उमंग से, उमंग कि जब आपके मन में बहुत ज्यादा खुशी होती है, आपका मन कुलाचे भरता है, उसमें अच्छी अच्छी भावनाएं आती हैं, खुशी की लहर आती है तो उमंग कहेंगे, उसी से ये शब्द बना है उमग्यो। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, मनवा मन की बात है, भनक सुनी हरियावन की। तो मीराबाई जी कहती हैं कि सावन के महीने में मेरे मन में उमंग आता है, खुशी होती है क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे सावन का महीना ही नहीं आ रहा है, हरि आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। हरि या प्रभु मतलब भगवान कृष्ण आ रहे हैं। बच्चों आप सब लोगों को याद होगा कि भगवान कृष्ण का जन्म भी किस महीने में है, इसी बद्री के मौसम में ही है, इसी सावन भादों के मौसम में है, जन्माष्टमी। आप देखा करेंगे कि ये आपके इंग्लिश कैलेंडर में अक्सर ये अगस्त महीने में होता है, तो मैंने कहा ना, तो इसीलिए मीराबाई जी कहती हैं कि सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरि आवन की, कि सावन में मेरा मन उमंग से खुशी से भर जाता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। भनक होने का मतलब है इंडिकेशन, इशारा होना है ना, इंडिकेशन। भनक सुनी हरियावन की। फिर आगे वो कहती हैं कि उमर घुमर चहुदिस से आया दामिन दम के झड़ लावन की। उमर घुमर, उमर घुमर शब्द बादलों की मूवमेंट के बारे में है, बदरिया की मूवमेंट के बारे में है कि जब आसमान में बादल घिरे होते हैं चारों तरफ में तो उसमें तरह तरह की गड़गड़ 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 इधर से उधर आने की आवाज़ें आती हैं, थोड़ी हवा बहती है। चहु दिस मतलब चारों दिशा से, चहु दिस का मतलब है चारों दिशा से, ऑल साइड्स है ना, मतलब ये तब पता नहीं चलेगा कि बादल आपको कि ईस्ट से आ रहे हैं, वेस्ट से आ रहे हैं, चारों तरफ से आ रहे हैं। दामिन दम के झड़ लावन की, यहाँ पर दामिन का मतलब है दामिनी, ये दामिनी हम लोग हिंदी में बिजली को कहते हैं, तो जब आसमान में बादल घिरे होते हैं तो बिजली कौंधती है ना, समय समय पर बिजली कड़कड़ाती है और हमें आसमान में हम लोग देखते हैं। कई बार बच्चे तो बिजली के चमकने से उसके साथ जो आवाज़ आती है तो थोड़ा सा डर भी जाते हैं, और जब बिजली चमकती है तो कभी कोई एक इलाके में बहुत सारी रोशनी दिखाई देती है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। और बारिश जब शुरू होती है तो पहले तो शुरुआत होती है नन्ही नन्ही बूंदों से, मेहा बरसे, मेहा का मतलब यहाँ पर फिर से बारिश सही है, मेहा मेह को आप मेघ भी कह सकते हैं। तो मीरा जी कहती हैं कि नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। शीतल ठंडी हवा का बहना, पवन का मतलब है हवा, पवन आप समझ रहे हो ना, हवा, तो उस समय जो हवा बहती है वो बड़ी अच्छी सी प्रतीत होती है, बड़ी भली सी प्रतीत होती है, बहुत अच्छा लगता है, सुहावना सा मौसम हो जाता है।
और आखिर में फिर से मीरा जी अपने प्रभु को याद करते हुए, कृष्ण को याद करते हुए कहते हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, कि मीरा के प्रभु, मीरा के स्वामी तो एक ही हैं और वो कौन है, गिरधर नागर हैं, श्री कृष्ण हैं। और ये उनके आने का समय हो रहा है, बारिश होने का मौसम ऐसा होता है तो लगता है जैसे कि प्रभु कृष्ण आने वाले हैं, आसपास में ही हैं। और ये समय होता है कि जब हम उनके स्वागत में आनंद मंगल गायन करेंगे, है ना, खुशी के गीत गाएंगे, मंगल के गीत गाएंगे, इतनी खुशी की बात है ये। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ में ये कविता यहाँ पर खत्म होती है। तो बच्चों, मैंने आज जो कविता डिस्कस की इसका नाम था भोर और बरखा। ये प्रभु कृष्ण की श्रद्धा में, भक्ति में मीराबाई का गाया हुआ, लिखा हुआ भजन है। तो एक्चुअली में ये भजन बहुत बड़ी सी कविता रही होगी, उसके दो छोटे छोटे हिस्सों को आपके टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है। और चूंकि ये ब्रजभाषा में लिखी हुई कविता है तो इसीलिए मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि आप सब बच्चों को कविता का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और आप आगे भी मीराबाई के कुछ और भजन भी पढ़ना लिखना पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि जिन बच्चों ने मेरा यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। मैं समय समय पर आपके लिए हिंदी के, इंग्लिश के, सोशल साइंस के, साइंस के लेक्चर्स इसी तरह से लेकर के आऊँगा और एक्सप्लेन करूँगा। मेरे लेक्चर्स में हो सकता है आपको ये बात अच्छी लगी हो कि ऐसा लगेगा जैसे कि आपके टीचर आपके सामने ही बैठ करके पढ़ा रहे हैं। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर सेशन के साथ में। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। जल्दी मिलते हैं।